नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अहमदाबाद अस्पताल में आग, सीएम रूपाणी ने घटना के तत्काल जांच के आदेश दिए। मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार। बारिश से मुंबई बेहाल, कई फुट पानी में डूबे इलाके, लोकल भी ठप। अहमदाबाद के कोरोना हॉस्पिटल में लगी आग, 8 मरीजों की मौत, सीएम ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। कलीपुरी को 2020 का इंपैक्ट वुमन अवार्ड, सबसे प्रभावशाली महिला के खिताब से सम्मानित किया गया। यूपी के बांदा में ऑनर किलिंग, प्रेमी जोड़े पर कुल्हाड़ी से हमला, फिर जिंदा जलाया। RIL बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड, अब एप्पल के ताज पर भी खतरा। अपार्टमेंट वापस लौटी रिया चक्रवर्ती, ईडी करेगी पूछताछ। मुंबई में अब भी क्वारंटीन में IPS विनय तिवारी, बिहार के DGP ने उठाया सवाल। हरियाणा के रोहतक में देर रात आए भूकंप के झटके, 2.9 रही तीव्रता। छत्तीसगढ़ में आज समाप्त हुई लॉकडाउन की अवधि। जीडल कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, दूसरे चरण की आज से शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा, लगभग सभी ने कहा कि ये द्विपक्षीय मुद्दा। दिशा पाटनी के पिता को हुआ कोरोना, 2 और अधिकारी भी निकले पॉजिटिव। सुशांत केस में CBI जांच को मंजूरी मिलते ही शेखर सुमन ने कहा कि कातिलों को फांसी दे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को ED का समन, शुक्रवार को होना होगा पेश। तारक मेहता में वापसी को तैयार, दिशा वकानी रक्षाबंधन एपिसोड में आएंगी नजर। भूमि पूजन को बताया ऐतिहासिक, दानिश कनेरिया बोले जय श्री राम। स्मिथ की ख्वाहिश, संन्यास से पहले टीम इंडिया को उसकी माद से हराना है लक्ष्य। बिहार के IPS को छोड़ने को तैयार नहीं BMC, कहा गूगल ऐप, जियो ऐप और जूम ऐप से कर सकते हैं बातचीत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मूर्ति रखने से नहीं बदलती मस्जिद की हैसियत। नन दुष्कर्म मामले में बिशप मुलक्कल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। पीएम मोदी की तारीफ करने वाला द्रमुक विधायक पार्टी से निलंबित। श्रीलंका में कोरोना के बावजूद आम चुनाव में हुआ जमकर मतदान, जीत सकते हैं राजपक्षे। अमेरिकी मंत्री ने कहा कि चीनी आक्रामकता के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे।